हेलो, आई एम कंचन। डोमिस किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं चॉकलेट फिल कुकीज। इसके लिए मैंने डबल बॉईल के मेथड से चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। डार्क कंपाउंड चॉकलेट है, उसको मेल्ट किया है। मैदा है, कॉर्नफ्लावर है, बटर है, यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा लिया है, बेकिंग पाउडर है और कोको पाउडर। चलो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट को मैंने एक बाउल में रखा है और नीचे मैंने एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए रखा है। अब इसी मेथड से हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट मेल्ट हो चुका है कुकीज के लिए, हम उसको कुकीज में फिल करने वाले हैं। इसके लिए अभी हम चॉकलेट को फ्रीजर में रखेंगे और इसे हम ठंडा करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में हम बटर ऐड करेंगे। जो बटर मैंने लिया है उसको मैंने फ्रिज में निकाल के रखा था एक आधे घंटे पहले, तो इसलिए मेरा जो बटर है अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अभी हम इसको बीट कर लेंगे। हो चुका है, इसमें हम ऐड करेंगे शुगर। यहाँ पे मैंने हाफ कप शुगर ली है, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारा बटर और शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, अभी इसी स्टेज पे हम हमारा बाकी का सामान ऐड करेंगे। मैदा ऐड करेंगे, कॉर्नफ्लावर, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और थोड़ा सॉल्ट, और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसका एक डो बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मिल्क लिया है। आपको डो बनाने के लिए जितना मिल्क यहाँ पे चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे मिल्क ऐड करके उसका डो बना लीजिए, और थोड़ा सा वैनिला एसेंस भी यहाँ पे मैंने ऐड किया है। अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा डो रेडी है। अभी हम इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे एक दो मिनट के लिए, फिर जो हमारा डो है रेडी हो जाएगा। चॉकलेट स्लैब हमने मेल कर लिया था, उसके मैंने एक छोटे छोटे से ऐसे गोल बना के रखे थे। इस तरह से इसको हम कुकीज में फिल करेंगे। इसमें हम डालेंगे डार्क चॉकलेट जो हमने मेल करके लिया था। इस तरह से हमारे कुकीज रेडी है। और एक दिखाती हूँ, हम चॉकलेट डालेंगे, इसको कर देंगे अच्छी तरह से, थोड़ा प्रेस करेंगे। कुकीज रेडी है। इसी तरह सब कुकीज में रेडी कर लेती हूँ। हमारे कुकीज है बेक होने के लिए रेडी है। मैंने एक बड़ा पतीला लिया है, उसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है, उसके ऊपर एक स्टैंड रखा है, इसी में हम हमारे कुकीज बेक करेंगे। उसे हम बेक होने के लिए रख दिया है, अभी हम इसे बेक करेंगे। अभी 10 मिनट हो चुके हैं और जो हमारी कुकीज है वो अच्छी तरह से बेक हो रही है, और एक 5 मिनट हम इसे बेक करेंगे, फिर हमारी कुकीज खाने के लिए रेडी हो जाएगी। हमारी चॉकलेट फिल कुकीज रेडी है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉर्मल किचन।